अपने खुद की तरक्की के लिए, अपने जिंदगी में कुछ हासिल करना ऐसा आप चाहते हो तो मैं ऐसी चार बातें बता रहा हूँ कि जो आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप एक नए ऊंचाई पर चले जाएंगे। नंबर एक, टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब ये होता है कि भाई आराम से लो ना, रिलैक्स, चिल करो, कूल करो। लोग क्या करते हैं कि हर बात में स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए, बड़ी बातों में भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेकर कुछ फायदा होता नहीं है, तनाव लेकर कुछ फायदा होता नहीं है। अल्टीमेटली एक्शन लेकर फायदा होता है, कुछ ना कुछ कृति करनी पड़ेगी, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तनाव है, बहुत स्ट्रेस है करके कुछ होगा नहीं। और जो जो लोग मुझे ऐसा बोलते कि बहुत स्ट्रेस है, उनको बोलता हूँ चलो लिखो कहाँ कहाँ स्ट्रेस है, लिख के बताओ। जब लिखना चालू हो जाता है तो मालूम पड़ता है कि दो तीन बातों के ऊपर ही वो बार बार घूम रहे, ज़्यादा बातें है ही नहीं स्ट्रेस वाली। आज स्ट्रेस की वजह से दुनिया में लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्मघात कर लेते हैं। हमारे देश में कम से कम 1,00,000 लोग हर साल स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आज डिप्रेशन की संख्या जो है वो हमारे देश में 135 करोड़ की हम आबादी पकड़ते हैं तो करीब करीब 5 से 6 करोड़ लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं और ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। सो टेक इट ईजी, आराम से लो, रिलैक्स, चिल आउट करो। एक अच्छी कहावत है इंग्लिश में कि एक सेंटेंस है मतलब कि भाई दिस टू शेल पास, इसका मतलब ये भी दिन निकल जाएंगे। मतलब बुरे भी दिन आए हुए हैं वो भी निकल जाएंगे और अच्छे भी दिन वो भी निकल जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन बहुत दिन रुकने वाले हैं। तो जब बुरा दिन आता है या टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है तो दिस टू शेल पास, आराम, रिलैक्स। तो ये हो गया नंबर एक। नंबर दो, आपकी जो कंपनी है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो लोग हैं, आप जो किताब पढ़ते हैं, आप जहाँ काम करते हो, वो कंपनी, वो लोग पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले होना चाहिए। आपके आजू बाजू के जो 5 लोग हैं उसका एवरेज है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी का एवरेज आप हो। आपके आजू बाजू के 5 लोग जो उनकी संपत्ति जितनी है उसका एवरेज आप है। तो हरदम ये देखो कि आपके आजू बाजू में कौन लोग है, आपके कौन सलाहकार है, कौन आपके कोच है, कौन आपके मेंटर है, कौन आपको धुसफुस करके कुछ ना कुछ आपके कान भर रहे हैं, जिनको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिनको कुछ मालूम भी नहीं है। ऐसे भी लोग आके आपके कान भरते रहते हैं, आपको गलत गाइड करते रहते हैं और आप उनके बहकावे में आके कुछ भी कर लेते हैं। तो ऐसे इसमें बड़े बड़े लोग घायल हुए क्योंकि उनकी जो चांडाल चौकड़ी थी, मतलब आजू बाजू वाले लोग, वो लोग सही नहीं थे और वो लोगों ने उनका घात कर दिया और वो चौकड़ी के बाहर ही नहीं लोग आए। बाहर के लोग आने का प्रयास करते थे मगर वो चांडाल चौकड़ी जो रहे थे ना, उनको आने देते नहीं बाहर के लोगों को। और अंदर का आदमी बोलता है कि ये मेरे 4 लोग हैं, ये बराबर है सलाहकार। तो आपको यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपके सलाहकार कौन है, आपके कोच कौन है, वो आपको देखना होगा। और आप कौन से कंपनी में रहते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैं ना शराबी लोगों के इसमें बैठता हूँ मगर मैं शराब नहीं पीता हूँ और मैं शराब पीऊंगा नहीं, मैं बैठता हूँ उनके साथ में मगर मैं शराब नहीं, ऐसा होऊंगा ही नहीं। आप शराबी लोगों के साथ में बैठक चालू करो, कुछ दिन बाद में आप ही खुद ही शराब पीना चालू करेंगे और बेवड़े हो जाएंगे। यदि आप सोचने वाले लोगों के साथ में बैठते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ जाएंगी, सोचना चालू करेंगे। हमारे यहाँ एक ड्राइवर थे और वो ड्राइवर एक बड़े पॉलिटिशियन के ड्राइवर थे, मगर बड़े लोगों के साथ में रहने का फायदा देखो क्या होता है। तो जब इंदिरा गांधी ने अलग पक्ष स्थापन किया, कांग्रेस स्थापन किया पक्ष, कांग्रेस से फूट गई, तब लोगों को लगा कि कांग्रेस फूट गया, इंदिरा गांधी ने अलग पक्ष स्थापन किया, इंदिरा गांधी को लोग नहीं मिल रहे थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तब इलेक्शन लग गया। तो ये जो बड़े पॉलिटिशियन थे उनका ड्राइवर था, बोले कोई लोग ही नहीं मिल रहे इलेक्शन लड़ने के लिए, बोले तू टिकट ले ले। अब बड़े लोगों के संपर्क में रहेंगे देखो फायदा क्या होता है, उसको टिकट दे दिया ड्राइवर को और वो ऐसी लाट चली, ऐसी वेव आ गई इंदिरा गांधी की, बड़े बड़े लोग घायल हो गए और एकदम छोटा छोटा आदमी जो टिकट लेने को भी तैयार नहीं था वो चुनके आ गया और आमदार बन गया। अब ये ड्राइवर वो बड़े आदमी के संपर्क में रहता ही नहीं था तो उसको टिकट नहीं मिलता, मगर बड़े के आदमी के संपर्क में आप रह रहे तो कहीं ना कहीं आपको चांस मिल जाता है। तीसरा जो है वो है कि आपके साथ में समय बिताओ। हो सकता है कि आप हफ्ते में 1 घंटा निकालो, 2 घंटे निकालो, हफ्ते में 1 दिन निकालो, रेगुलरली खुद के साथ में बैठो। जब आपका फ़ोन चालू नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, टीवी देखना नहीं है, ना व्हाट्सएप देखना है, कुछ नहीं करने का, शांत बैठना है, रिलैक्स बैठना है। और घर में नहीं बैठ सकते तो खेत में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वहाँ बैठो, अकेले बैठो और कुछ सवाल अपने आप को पूछो, मैं कौन हूँ, हु एम आई। मैं मेरे वर्कशॉप में हरदम लोगों को पूछता हूँ कि हु आर यू, आप है कौन, अपने आप को कुछ हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये दुनिया में आने का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। नंबर दो का सवाल है कि मेरे आने का उद्देश्य क्या है, ये दुनिया में आया क्यों, कौन से उद्देश्य की पूर्ति मुझे करना है। नंबर 3 आप पूछ सकते हैं कि मुझे मेरे जिंदगी में महत्व का क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी।
क्या इंपॉर्टेंट है मेरे को मेरी जिंदगी में। नंबर चार, मैं ऐसा क्या करता हूँ कि जो मैंने करना नहीं चाहिए, कौन सी बातें मैं करता हूँ कि जो मैंने करना नहीं चाहिए। और इसका ही मतलब ये हो गया और एक, कि मैं कहाँ डिसऑनेस्ट हूँ, कहाँ टैक्सेस की चोरी करवा रहा हूँ, कहाँ झूठा माल बेच रहा हूँ, क्या झूठा काम कर रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ लोगों को कि जो मैं नहीं हूँ। कभी कभी लोग बताते हैं कि भाई बहुत अमीर हूँ, एक्चुअली अमीर तो नहीं है, अमीर है बताते गरीब हूँ, एक्चुअली गरीब नहीं है। मतलब कहाँ झूठा काम मैं कर रहा हूँ, कहाँ मैंने मास्क पहना हुआ है। नंबर पाँच जो है कि भाई कहाँ कहाँ मुझे तनाव आता है, स्ट्रेस कहाँ कहाँ होता है, मैं स्ट्रेस्ड आउट क्यों हो जाता हूँ, पूरे ऐसा लगता है कि ड्रेन हो गई मेरी एनर्जी, ताकत निकल गई, स्ट्रेस बहुत, ऐसा कहाँ होता है मुझे। छठवां है कि मैंने क्या मेरे में बदल करना चाहिए, मैंने में क्या बदलाव मेरे में लाना चाहिए, क्या नई संभावना मैंने देखना चाहिए, कौन सा बदल मैंने मेरे में लाना चाहिए, मेरे में क्या ऐसी बातें कि जो मैं निकाल सकता हूँ, चिप्स निकाल सकता हूँ मेरी। नंबर सात, मैं लोगों के जीवन में क्या योगदान दे सकता हूँ, हो सकता है कि मैं लोगों को टाइम दे सकता हूँ, हो सकता है कि लोगों को मैं पैसा दे सकता हूँ, वो लोगों को कुछ, लोगों के लिए कुछ मेहनत कर सकता हूँ, कुछ नहीं तो लोगों को प्यार दे सकता हूँ, कुछ सलाह दे सकता हूँ, कुछ भी, मैं क्या कौन सा योगदान, किस तरह का योगदान ये समाज के लिए लोगों के लिए मैं कर सकता हूँ। नंबर आठ, मैं कहाँ कहाँ मेरे समय की बर्बादी कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बर्बादी करता हूँ, मैं समय टाइम वेस्ट करता हूँ, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता हूँ, लोगों के साथ में गॉसिपिंग करने में टाइम वेस्ट करता हूँ, फालतू का टाइम कि जो अनप्रोडक्टिव है, उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है और मैं टाइम पास कर रहा हूँ। नंबर नौ जो है कि मैं मेरे बॉडी के लिए, जो बॉडी का मैं विश्वस्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, विश्वस्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ मेरे बॉडी का, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी कैसी केयर ले रहा हूँ, कौन सी केयर मैं मेरे बॉडी के लेता हूँ, मैं विश्वस्त हूँ, ट्रस्टी हूँ मेरे बॉडी का, और मेरे बॉडी के लिए मैं उसको कैसा हल्के से लेता हूँ, बॉडी को उसकी मशागत मरम्मत नहीं करता हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या मैं जंक फूड खा रहा हूँ। और नंबर दस, यदि मैं ये दुनिया से निकल जाऊँगा, जो जाना सबको है, जब मैं ये दुनिया से निकल जाऊँगा तब मैं क्या पदचिन्ह छोड़ के जा रहा हूँ, लोग मुझे कौन से बात के लिए याद करेंगे, फुटप्रिंट्स कौन से मैं छोड़ने वाला हूँ, कौन सी बात के लोग मुझे याद करने वाले हैं, तो मैंने ऐसा क्या काम करना चाहिए कि लोग मुझे मेरे मरने के बाद में याद करेंगे। तो ये सवाल अपने आप को आप पूछते हो और फिर वो हिसाब से वो तरह से एक्शन करते हो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आप जीवन में एक नई ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने पहले बताया नंबर एक कि टेक इट ईजी, नंबर दो मैंने बताया कि भाई बी इन द कंपनी ऑफ पीपल, गुड पीपल, नंबर तीन मैंने बताया कि भाई अपने साथ में टाइम बिताओ और ये सवाल अपने आप को पूछो, और नंबर चार जो है वो है कि अपनी जो, अपना जो पावर हाउस है, एनर्जी हाउस है, उनके साथ टाइम बिताओ। और पावर हाउस कौन है अपनी, अपनी एनर्जी हाउस कौन है, अपने माँ बाप, वो आपके भले के लिए हरदम काम करते रहते हैं, वो आपके वेल विशर है, बेस्ट विशेष उनकी आपके साथ में हरदम रहती है। उनको पूछो, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बूढ़े होने के बाद में उनको कोई पूछने वाला रहता नहीं, उनको अकेलेपन आ जाता है, उनके साथ में बैठो, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, वो कुछ आपको सलाह देंगे, वो सलाह आप ले सकते हो, उनका इतने साल का एक्सपीरियंस है वो काम में आपके आएगा, और आप डिफर करते हो उनसे तो वो भी बोलो कि डिफर करता हूँ, मगर वो आपके नॉलेज के ऊपर आप डिफर करेंगे, ना कि ईगो से डिफर करेंगे, ना कि डोमिनेट करना है करके डिफर करेंगे, नॉलेज है आपके पास में, डेटा है, और आप डिफर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऐसा मुझे लगता है करके डिफर मत करो, जस्ट इमोशनल डिफर मत करो, मुझे आता है डोमिनेट करना है, मैं राइट हूँ, इसलिए डिफर मत करो। और फिर आप हेल्दी डिस्कशन करते हो माँ बाप के साथ में, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ उनसे सीखोगे। तो ये चार बातें आप करते हैं तो डेफिनेटली आप एक नई उड़ान आपके जीवन में ले सकोगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, ताकि लोग अपने जीवन में अच्छी उड़ान ले सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।